अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपको विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे ESIC दिल्ली ऑफिस एंड डेटाबेस गवर्नमेंट जॉब अप्लाई 5/10/2018। तो ये जो जॉब है आपकी गवर्नमेंट बेस्ड जॉब है, लेकिन इसमें जो आपका एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन जो मांगा गया है वो आपका ऑफिस पैकेज होना चाहिए और आपका डेटा बेस पैकेज होना चाहिए, यानी कि बेसिक स्तर का जो आपका बेसिक नॉलेज है, CCC ओ लेवल के पास अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। वैसे आपका सबमिशन मांगा नहीं गया इसमें, लेकिन ये जॉब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने CCC DCA BCA वगैरह करके रखा हुआ है तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है ESIC दिल्ली में, आपको बताते हैं क्या पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बताते हैं। तो क्वालिफिकेशन थोड़ी हाई है तो उसके लिए पूरे वीडियो देखें और तभी आपको समझ आएगा क्या किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो का टॉपिक है आप देख सकते हैं ऑफिस और डेटाबेस अगर आपको आता है, यानी बेसिक स्तर का ऑफिस और डेटाबेस अगर आपको आता है, एक्सेस वगैरह या कोई भी चीज़ डिमांड है, आप MS Excel वगैरह आपका डेटाबेस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार की पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट मेरे पास अवेलेबल है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया, रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर एंड मैनेजर Grade 2 सुपरिंटेंडेंट इन ESIC कॉरपोरेशन में है। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन थ्रू दी आपकी ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे आपको जाना है, फॉर्म को फिलिंग करना है, जो कि लिंक है वो अभी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है तो कुछ दिनों में आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से है। रिक्वायरमेंट आपकी 16/1/2014 से ये चल रहा है एडवर्टाइजमेंट, और काफ़ी दिनों से इसके एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और जो ये दोबारा शायद में भी अब फ्रेश वैकेंसी आई है तो उसके लिए आप वैकेंसी दे सकते हैं। टोटल है 539 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल की 294 है, ST की 82 और ST की 22 है, OBC की 141 है। टोटल आप कितनी वैकेंसी है, बाकी PVW लोगों के लिए है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और डिटेल ऑफ PWD कैटेगरी में यहाँ पे आपके बारे में सब दिया गया है आप देख सकते हैं। उसके बाद सैलरी ऑफ पे है आप देख सकते हैं, रिवाइज पे है 7th कमीशन के हिसाब से 44,900 रुपीज़ आपको पे बैंड के साथ 9,300 और 34,800 रुपये आपको 4600 ग्रेड पे 6th पे सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। इन एडिशन टू पे दे विल बी एलिजिबल फॉर DA HRA एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउ द अदर पे रूल टाइम टू टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके बारे में दिया गया है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करते हैं, तो एक डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट इन, आपके पास डिग्री BA BSc BCom कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीफरेंस दिया जाएगा उन्हीं को ज़्यादा जिनके पास ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स यानी कि BCom की डिग्री हो, या लॉ से हो, LLB वगैरह ये सब हो, या फिर कोई मैनेजमेंट की डिग्री हो तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी बतौर BA BSc सिंपल ग्रेजुएशन वालों को कम मान्यता मिलेगी। आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हो सकता है मेरिट में उनको पहले आगे लिया जाए, आपका नंबर बाद में है, तो इस प्रकार से इसमें प्रावधान रखा गया है। तो जो लोग कॉमर्स से हैं, लॉ स्टूडेंट हैं और मैनेजमेंट से जिनके पास डिग्री है वो लोग जरूर अप्लाई करें। और दूसरा जो इसमें ऑप्शन है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो भी आपके पास कम मेरे पास जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया होगा, कंप्यूटर से क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं हर उस वीडियो को आपके सामने रखूंगा जिससे कि आप उस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें जिसमें कंप्यूटर की डिमांड रखी गई है। तो यहाँ पे आपसे साफ साफ पूछा गया है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपको डिग्री के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप अगर सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका पूछा नहीं गया है, लेकिन आप यहाँ पर सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं अपने
जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी तब वहाँ पे आप शो कर सकते हैं, या फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस डिजायरेबल 3 ईयर्स सिंस इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और लोकल बॉडी और शेड्यूल्ड बैंक एक्सेट्रा। तो ये आपको एक्सपीरियंस के रूप में है, अगर आपके पास है तो आप इसमें लगा सकते हैं अगर पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं। और नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है इंडिया से हो या नेपाल, भूटान, तिब्बत, यहाँ सारे देश के नाम दिए गए हैं, यहाँ से भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विल बी ओरिजिनल पाकिस्तान, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जेल में दी गई है। एज की बात करते हैं तो एज यहाँ पे 21 से 27 साल तक मांगी गई है और ईयर क्लोज हो जाएगी 5/10/2018 को, 27 कंप्लीट हो जानी चाहिए, 27 या 21 जो भी हो आप उसको समझ सकते हैं। ST/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जनरल में 10 साल, OBC में 13 साल और ST/ST में 15 साल की छूट है। एक्स सर्विस के लिए जनरल में 3 साल, OBC में 6 साल, ST/ST के लिए 8 साल की छूट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ECI का एम्प्लॉयमेंट है 2-40 साल के लिए है, जनरल में, OBC के लिए 43 और ST/ST में 45 साल तक के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन अप्लाई, 5/10 आपकी लास्ट डेट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, तभी आपका एक्सेप्टेड होगा। फोटोग्राफी 4.5 3.5 ही होनी चाहिए, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब होना चाहिए वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक के साथ। ए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ऑन ए वाइट पेपर विद ब्लैक इंक गिवन टेक्स्ट ब्लो, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, ये आपको लिखना है एक सादे पेपर पे अपनी हैंड राइटिंग में, उसको भी आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पूरा टेक्स्ट दिया गया, तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर ले तभी आप इसके बारे में पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है, ये लिंक है esic.nic.in पे आपको जाना है और सारी चीज़ें इसमें फॉलो करनी है। तो लिंक अभी ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है तो इससे आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको वेबसाइट दिखा देंगे किस प्रकार से आप उस पर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट की बात करते हैं तो ST/ST PWD के लिए आपकी 250 रुपये पेमेंट है और अदर कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस इसमें पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन पे करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए, वीजा, मास्टर, सारे कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी कार्ड आपके पास हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें जब आप पेमेंट कर रहे हैं उस समय आपका रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, डबल क्लिक नहीं होना चाहिए, सर्वर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस केस में आपकी पेमेंट फंस सकती है और फिर वो दोबारा आपकी वापस नहीं होगी जैसा कि यहाँ पे किया गया है, या हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट ना हो। तो आप देख सकते हैं प्रिंट आउट रिसिप्ट आप जनरेटेड प्लीज नॉट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नॉट बी सक्सेसफुली, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई आप देख सकते हैं, पढ़ लें उस हिसाब से अप्लाई करें। फोटोग्राफी का आपको मैंने बता दिया, डाउनलोड ये डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं, फोटो अपलोड करनी है और आपकी सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आपको साइज वगैरह देख लें यहाँ सारा दिया क्या है, और लेफ्ट हैंड हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन लिखेंगे उसको भी आपको अपलोड करना है, 200 DPI होना चाहिए और बस इतनी चीज़ आपके दी गई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का देख लेते हैं क्या दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टिंग ऑनलाइन इन वेन्यू गिवन और रिस्पेक्टेड, कॉल लेटर आपको दिया जाएगा उसी के हिसाब से आपका किया जाएगा, जहाँ भी आपको हो चूज़ आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पर दिया गया है कुछ आपको चूज़ करने हैं सेंटर, उसके उस हिसाब से आपको सेंटर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है पेपर वन प्रीमियरली एग्जामिनेशन जो आपकी है SSO एग्जाम, फर्स्ट में आपका है इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपके, तो ये टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है, 30-35 के हिसाब से, ड्यूरेशन आपको 20-20 मिनट के मिलेगी, इंग्लिश बिलिंगुअली ये मतलब इंग्लिश इंग्लिश में रहेगी, बाकी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी रहेगी। फेज वन को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, फेज वन इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क विल बी रिकोनेड फॉर फाइनल मेरिट के लिए आपकी जो भी होगी वो बनेगी, 1:10 का रेशियो बनेगा, 10 टाइम्स ऑफ नंबर वैकेंसी ईच कैटेगरी बेसिक परफॉर्मेंस इन फेज टू के लिए आपको फिर बुलाया जाएगा, जो कि फेज टू में आपका होगा रीजनिंग इन इंटेलिजेंस जनरल इकोनॉमी फाइनेंशियल इंश्योरेंस और इंग्लिश लैंग्वेज और क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे, जो कि आपके 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क के क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा फेज होगा, इसमें 2 फेज होने के बाद दी मार्क ऑब्टेन इज फेज टू इज कंसिडर्ड फॉर फाइनल सेक्शन 1:5 का रेशियो इसमें बनेगा, इसके लिए आपको थर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपको क्या कराया जाएगा, कंप्यूटर स्किल
टेस्ट होगा सी एस टी टेस्ट जिसको कहते हैं, 50 मार्क का होगा, 30 मिनट ड्यूरेशन होगी जिसकी, जिसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ टू पावर पॉइंट स्लाइड है, आपको दो प्रिपरेशन करके दिखाने हैं, 10 मार्क का होगा ये आपका, आधे घंटे का है तो आपको 10 मिनट का समय मान सकते हैं दो आपको पीपीटी बनाने में। तो ये आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से डिजाइन करते हैं अगर आपको नहीं पता है। उसके बाद है सेकंड है टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग। तो आपको कुछ टाइपिंग मैटर दिया जाएगा, वो आपको लिखना है एमएस वर्ड में विद फॉर्मेटिंग के साथ, कि उसमें फॉन्ट कहाँ लगाना है, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, कौन सा बोल्ड है, कौन सा इटैलिक है, कौन सा अंडरलाइन है, कौन सा हेडिंग बेस्ड है, इस प्रकार से फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा, जो जैसा आपको दिया जाएगा उसी हिसाब से, वो 20 नंबर का आपका होगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ टेबल ऑन एम एस एक्सेल यूज ऑफ फॉर्मूला। तो आपको कुछ एक टेबल प्रिपरेशन कराने करनी होगी, यानी कि आप मान सकते हैं मार्कशीट हो गया या कोई चार्ट हो गया या कोई कोई भी डेटाबेस आपको तैयार करना होगा, तो उसमें फॉर्मूले का यूज करके आपको वो टेबल तैयार करनी है, जिससे कि ऑटोमेटिक उसमें प्लस माइनस या गुणा भाग या एवरेज या परसेंटेज कुछ भी वहां से पूछा जाए आपसे, वो आपका आउटपुट आ जाए। तो ये आपको करना है, वो आपका 20 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं काफी टफ है इस पेपर को क्वालिफाई करना, जिस प्रकार से इसकी सैलरी वगैरह आपकी रखी गई है उस प्रकार से। यहाँ पे तीन फेज में आपका एग्जामिनेशन है। तो अगर आप ग्रेजुएशन है, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज पूरी मैंने बता दी, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा ये भी आपको बता दिया, तो उसको आप प्रिपरेशन कर लें। बाकी अगर आप कोचिंग वगैरह कहीं कर रहे हैं, रीजनिंग वगैरह की, बैंक वगैरह किसी की, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन पेपर में आपका जो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे दो, जिसमें आपको लेटर राइटिंग होगी, इंग्लिश हिंदी राइटिंग दो क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क के, 30 मिनट का टाइम मिलेगा, वर्जन इंग्लिश रहेगा। बाकी यही सिंपल है, आपका दे सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क इन फेज वन प्रीलिमिनरी एग्जाम, फेज टू मेन एग्जाम एंड फेज थ्री कंप्यूटर स्किल टेस्ट, टाइप कंप्यूटर टेस्ट और पीडब्ल्यूडी वर्स एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी डिसाइडेड एट द डायरेक्शन ऑफ ESIC। तो ये था आपके लिए ESIC की वैकेंसी विद कंप्यूटर और विद ग्रेजुएशन के साथ, अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई जानकारी इसमें अवेलेबल नहीं है फिलहाल, आपको इतनी जानकारी चाहिए थी तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। और फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको बता देते हैं, ये वेबसाइट है आपकी esic.nic.in, इस पर जाना है कि सेकंड नंबर का कॉलम है, आप देख सकते हैं लास्ट डेट है 10/5, जो कि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अभी द लिंक अप्लाई ऑनलाइन विल मेड ऑफ कैंडिडेट शॉर्टली, तो जो है वो लिंक आपका कुछ दिनों में एक्टिवेट किया जाएगा, तब आप इसके लिए 10 अक्टूबर से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से ये पोस्ट है आपके लिए और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और सैलरी वगैरह आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड जॉब है, कोई संविदा पे जॉब नहीं है आपकी। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वो प्लीज़ जाके अप्लाई करें, काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है 539। जो लोग SSC वगैरह की कोचिंग कर चुके हैं, उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज यानी CCC या ओ लेवल उन्होंने करके रखा हुआ, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समय में आएगा, कोई भी डाउट हो इस जॉब को संदर्भ में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।